झारखंड में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और मौजूदा सीएम और पार्टी सह गठबंधन के सबसे सीनियर नेता चंपई सोरेन को उनके पद से हटाया जा रहा है। इसका फैसला आज रांची स्थित सीएम आवास में आयोजित सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक के दौरान लिया गया। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सभी विधायकों ने अपनी सहमति दी। विधायकों ने समर्थन पत्र पर अपने हस्ताक्षर देकर मुख्यमंत्री पद के लिए हेमंत सोरेन का नाम आगे किया। खबर बनाए जाने तक ये चर्चा थी कि आज जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वापस रांची लौटेंगे तो सत्ता पक्ष के सभी विधायक गण उनसे राजभवन में मुलाकात करेंगे। मौजूदा सीएम चंपई सोरेन उनके समक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे और हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ग्रहण के लिए तारीख की मांग करेंगे। इसके बाद चंपई सोरेन को झामुमो का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चर्चाएं तो बहुत है लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को मिले कोर्ट से जमानत के साथ ही इसकी भनक होने लगी थी। कयासों का बाजार तब गर्म हुआ जब अखबारों में खबर आई कि आज 3 जुलाई को सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को रांची स्थित सीएम आवास पर होने वाली बैठक के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 5 नव निर्वाचित सांसदों को भी बैठक में शामिल होने को कहा गया है। वहीं कल अचानक से मौजूदा सीएम चंपई सोरेन ने 2 दिनों के अपने सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। इससे झारखंड की राजनीति का पारा 1 डिग्री और ऊपर चला गया। सभी की निगाहें आज होने वाली बैठक पर टिकी हुई थी और आज फैसला आ गया। हेमंत सोरेन ने विधायकों की सहमति से पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता चंपई सोरेन से सत्ता की कुर्सी छीनकर अपने नाम कर ली। लेकिन अगर हेमंत सोरेन ऐसा सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वह विधानसभा चुनाव में कमाल कर देंगे तो आपको बता दें कि उनका फैसला उनके और उनकी पूरी पार्टी गठबंधन के लिए खतरा साबित हो सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन वापस से सीएम की कमान संभालते हैं तो इसका प्रभाव कैसा होगा। लेकिन इससे पहले आप तमाम दर्शकों से अपील है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब मात्र 3 से 4 महीने शेष हैं। इस बीच सीएम पद की अदला बदली से राज्य की जनता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में हुए इस फैसले के कारण हेमंत सोरेन को महत्वाकांक्षी करार दिया जा सकता है। अभी से ही कईयों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हेमंत सोरेन सत्ता के लोभ में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने मात्र 4 महीने के लिए पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता से उनकी कुर्सी छीन ली। इसे चंपई सोरेन का अपमान माना जा रहा है। चंपई सोरेन के समर्थकों के बीच नाराजगी देखने को मिल सकती है और ये केवल उनके समर्थकों तक सीमित नहीं होगी बल्कि नाराजगी की ये आग पूरे कोल्हान क्षेत्र में फैल सकती है। इसका खामियाजा सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। कोल्हान जहां के सारे 14 विधानसभा सीटों पर झामुमो और कांग्रेस का कब्जा है, हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो सकती है। वहीं ईडी के हाथों जिस तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें भर भर कर राज्य की जनता से सहानुभूति मिल रही थी, जेल से छूटने के बाद वैसे भी इस सहानुभूति में कमी आनी थी और अब तो ये बिल्कुल ही धूमिल हो जाएगी। इसके अलावा चंपई सोरेन केवल झामुमो में ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के बीच भी सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। इस वजह से उनके सीएम बनते ही देखा जा सकता था कि विपक्षी दल के नेता कभी सीधे तौर पर उन पर उंगली उठाने से बचते रहे। चंपई सोरेन की बेदाग छवि पर दाग लगाना आसान नहीं है, ये सभी पार्टियां भली भांति जानती हैं और इसलिए उनकी सरकार भी विरोधियों के घेरे में नहीं आ पाई। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही एक बार फिर से उन्हें टारगेट करना आसान हो जाएगा।
उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जिन्हें हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में भर भर कर सहानुभूति मिलते रही, वह भी इसके लपेटे में आ जाएंगी। बैठक में लिया गया ये फैसला विपक्षी दल भाजपा को सामने से मौका देने जैसा है। सोशल मीडिया पर भाजपा के सबसे सक्रिय नेता निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की जमानत के ठीक बाद से ही चंपई सोरेन को सावधान रहने की चेतावनी दे डाली थी। वे लोग तब से ही दावा करते दिखे थे कि जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन सत्ता की कुर्सी अपने नाम कर लेंगे। इसे पुष्टि देते हुए हेमंत सोरेन और सत्ताधारी दल के विधायकों ने अपने समर्थकों को नेगेटिव मैसेज दिया है। इससे इस बार के चुनाव में झामुमो की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को कुछ हद तक नुकसान होने की संभावना है और इसी का फायदा भाजपा को मिल सकता है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इस बार के चुनाव का मंजर क्या होगा, दोनों पार्टियों की क्या रणनीतियां होती है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।